सिंगरौली में कुछ आदिवासी समाज के लोगों के बीच विवाद शांत करने पहुंचे सहायक पुलिस निरीक्षक का कान एक व्यक्ति ने दांत से काट लिया, जिसके चलते उनको गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी ने बताया कि उसको भूत प्रेत आते हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला सराई थाने के तीनगुड़ी चौकी अंतर्गत तीनगुड़ी गांव का है। पुलिस चौकी से 200 मीटर दूर किराने की दुकान के सामने कुछ आदिवासी लोग आपस में विवाद कर रहे थे, जिसकी सूचना पर सहायक पुलिस निरीक्षक इंद्राज मिश्रा अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे और उन लोगों को शांत करने लगे। तभी उनमें से देव धर्म सिंह नाम का व्यक्ति जमीन पर लेट गया और जब सहायक पुलिस निरीक्षक इंद्राज मिश्रा उसे उठाने लगे तो उसने सहायक पुलिस निरीक्षक का दाहिना कान अपने दांतों से काट दिया, जिससे उनके कान की नसें कट गई और अत्यधिक खून बहने लगा। तभी देव धर्म सिंह वहां से उठा और भागते हुए एक कुएं में कूद गया। पुलिस ने उसे कुएं से निकालकर सराय अस्पताल में भर्ती कराया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल सहायक पुलिस निरीक्षक इंद्राज मिश्रा की हालत गंभीर होने से उन्हें उचित उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे भूत प्रेत आते हैं और भूत प्रेत ने ही उसे कच्चा मांस खाने को कहा था, इसीलिए उसने ऐसा काम किया। थाना सराय की चौकी तीनगुड़ी है, तीनगुड़ी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहाँ कुछ आदिवासी शराब पी करके आपस में विवाद कर रहे थे। तीनगुड़ी चौकी के इंद्राज सिंह सहायक उप निरीक्षक उनके पास गए, उनको समझाया, बाकी लोगों को कहा कि अपने घर जाइए। आप एक जो है देव धर्म सिंह गोम, वो जमीन में लेटा हुआ था, उसको पास जाकर उनको उठाने का प्रयास किया कि उठे और वो भी अपने घर जाए। ठीक सामने उसका घर भी था, तो वो अचानक उनके ऊपर हमला कर दिया और अपने मुंह में उनका दाहिना कान ले करके और आधे कान को काट दिया दांतों से। टेलीफोन में सूचना मिली कि कुछ आदमी शराब पी के उपद्रव मचा रहे हैं अमरेश के दुकान के सामने, तो साहब के साथ चल रही। जैसे गाड़ी से उतरे तो वो एक एक ऐसे आया पीछे से, मन दारू में बैठे, जैसे पहुंचे तो पकड़ के ऐसे काट खाया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।